चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। पुनः एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंदेशक न्यूज में। साथियों, अंदेशक न्यूज आपके संघर्ष का साथी। बिग ब्रेकिंग न्यूज, अंदेशक मजबूरी में चला रहे हैं ई रिक्शा। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ ये समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसमें एक अंदेशिका बहन जिसका नाम सुनीता है, वो अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए स्कूल के बाद चलाती हैं रिक्शा, क्योंकि अल्प मानदेय 9000 में नहीं चला पा रही हैं। वो घर का खर्च, अपने बच्चों का खर्च, सास ससुर का खर्च नहीं उठा पा रही, इसके लिए पति पत्नी दोनों मिलकर चलाते हैं ई रिक्शा। इसी तरीके से और भी कुछ हमारे अंदेशक भाई बहन हैं। कोई लेबर का काम करता है, तो कोई कपड़े की दुकान पर काम करता है, कोई चाट कुल्फी का ठेला लगाता है, तो कोई आमलेट का, कोई दुकान पर कपड़े बेचता है, तो कोई फुटपाथ पर रेड़ी लगाता है। ये राष्ट्र निर्माताओं की दुर्दशा उत्तर प्रदेश में किस कदर हो रही है, आप इस समाचार से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2013 में इनकी नियुक्ति हुई थी अनुदेशक के पद पर। ये अनुदेशक कला शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कृषि एवं उद्यान, फल संरक्षण, इन तमाम स्पेशल विशेष शिक्षा के जो विशेष विषय हैं उनके लिए नियुक्ति हुई थी, लेकिन आज तक उनको नियमित नहीं किया गया। इस मजबूरी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही दुखद बात है अंधेशकों के लिए। ये दृश्य उत्तर प्रदेश सरकारों की असफलता का एक जीता जाता सबूत है। ये दर्शाता है कि सरकारें किस तरीके से फेल हुई हैं शिक्षा व्यवस्था के मामले में, इन संविदा कर्मियों के मामले में। आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। आपको बताना चाहेंगे, अंधेशक माननीय हाई कोर्ट से अपना मध्य 17,000 का केस भी जीत चुके हैं और डबल बेंच में इस समय मामला लंबित है। सरकार इस केस को टाल मटोल कर रही है और कोई स्पष्ट जवाब ना देने के कारण फंसती हुई सरकार डबल बेंच में उत्तर प्रदेश की। लेकिन कहावत है साथियों, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल इन राष्ट्र निर्माताओं को उनका हक मिलेगा और सरकारों को अपनी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सत्य की विजय होती है। आज के समाचार में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।